जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने देश के युवाओं से वायदा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को वो रोजगार दिलवाएंगे हर साल। बहुत बड़ा सपना दिया, सच्चाई निकली, 14 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने बेरोजगार बना दिया है। ये क्यों हुआ? गलत पॉलिसीज के कारण। नोटबंदी, गलत GST और फिर लॉकडाउन, इन 3 कदमों ने हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और अब सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। इसीलिए यूथ कांग्रेस जमीन पर उतर गई, और मुझे बहुत खुशी है कि इस मुद्दे को यूथ कांग्रेस हर कस्बे में सड़कों पर उठाएगी और पूरे दम से इस मुद्दे को उठाने जा रही है। रोजगार दो प्रोग्राम से आप सब जुड़िए और यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर देश की युवाओं को रोजगार दिलवाइए। रोजगार तो मिला नहीं, लेकिन लोगों को बेरोजगार जरूर कर दिया। पहले नोटबंदी में बेरोजगार किया, फिर GST में किया, और जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए जो रास्ता अपनाया उससे लोग और बेरोजगार हो गए। आज इस हालात में धंधा चौपट है, व्यवसाय चौपट है, उद्योग चौपट है, और लोग बागों को निकाला जा रहा है रोजगार देने के बजाय। सारे हिंदुस्तान में एक आंदोलन छेड़ा है जहां गुहार ये लगाए जा रहे हैं कि हमारे बेकार नौजवानों को काम दो, रोजगार दो, नौकरी दो। इससे अच्छा और क्या मुद्दा हो सकता है इसी समय, जब लॉकडाउन के बदौलत हिंदुस्तान में 13 से 14 करोड़ लोगों को नौकरी से निकाला गया। सारे हिंदुस्तान में त्राही त्राही मच चुके हैं, गरीबी और भूखमरी के शिकार होना पड़ा हिंदुस्तान के आम लोगों को। कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयसर नहीं शहर के लिए। 15 लाख हर अकाउंट में और 2 करोड़ नौकरियों का सृजन हर साल, ये वादा करके मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हुए। और आज देश का सूरते हाल ये है कि 30 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। पिछले कुछ महीनों में 12 करोड़ नौजवानों की नौकरियां चली गई, और देश की सरकार, मोदी सरकार, सरकारी नौकरियों के 30 लाख पद आज भी रिक्त रखे हुए हैं, खाली रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित बहुत सारी प्रदेश सरकारों ने ये घोषणा कर दी है कि अगले 1 से 2 साल तक वो कोई भी सरकारी नौकरी दे ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि बहुत ही शर्मनाक है कि मोदी सरकार इस बात के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन है कि जब एक नौजवान अपनी डिग्री हाथ में लेकर घर पर बैठ जाता है तो न सिर्फ उसके परिवार पर आर्थिक संकट आता है, बल्कि वो एक निराशा और मानसिक तनाव की चपेट में भी आ जाता है, जिसके चलते अक्सर वो अपराध और आत्महत्या की कगार तक भी पहुंच जाता है। मोदी सरकार को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये भी बहुत शर्मनाक है कि 21वीं सदी में मोदी सरकार का सपना ये है कि भारत का नौजवान नाले की गैस पर पकौड़े तले। ये युवाओं का देश है, 65% आबादी हमारे युवाओं की है, नौकरी का अभाव है, बिना नौकरी के क्या भविष्य है किसी का, ना तो युवा का ना देश का। 135 करोड़ लोगों में 65% युवा अवस्था के हैं, नौकरियों का अभाव है, पुरानी नौकरियां जा रही हैं और नई आनी रही हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज जो डिमोनेटाइजेशन के वक्त से स्टार्ट हुई, एक के बाद एक फेल होती चली गई, और कोविड ने एक प्रकार से एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फेलियर देश के सामने प्रेजेंट कर दिया है। एक नई सोच, एक नई पहल, एक नई ऊर्जा और एक नई लीडरशिप की आवश्यकता है देश को। भड़काने वाले, डाइवर्ट करने वाले इश्यूज से देश में नौकरियां नहीं आएंगी। देश में नौकरियां आएंगी जब रियल स्टार्टअप स्टोरीज यहां स्टार्ट होंगी, जब पूरा गवर्नमेंट का कॉन्सेंट्रेशन नौकरियों पे होगा,